हेलो दोस्तों, आप सभी का दिन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। आज के इस वीडियो के अंदर में हम बात करने जा रहे हैं बीए प्रणाम सेकंड ईयर ह्यूमन राइट्स का 6th चैप्टर मानव अधिकार और भारत का संविधान, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले के जो चैप्टर्स हमने पढ़े उसके अंदर में हमने 1 to 5th लेसन कवर किए। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो भी वीडियोज़ देखें, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आज इस चैप्टर के अंदर में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संविधान, मतलब मानवाधिकार भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि भारत के संविधान के अंदर में मानवाधिकार को किस हिसाब से प्लेस किया गया है, किस हिसाब से रखा गया है और उसकी क्या क्या खासियत है वो देखेंगे। बट इससे पहले के चैप्टर में आपने मानवाधिकार के बारे में पढ़ा, और मानवाधिकार किस हिसाब से पढ़ा, तो यूएनओ के स्तर पे पढ़ा, ठीक है, यूएनओ में किस हिसाब से मानवाधिकार को प्लेस किया गया, ठीक है, यूएनओ में, ठीक है, यूएनओ और साथ साथ यूडीएचआर के अंदर में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर में हमने पढ़ा। तो इससे पहले की वीडियोज़ भी अगर देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बाकी के कॉन्सेप्ट भी, और साथ साथ ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन बनता ही है कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग मानवाधिकार को क्या है, किस तरह से प्रावधान किया गया, मतलब मानवाधिकार है क्या, मानवाधिकार के लिए कौन से अनुच्छेद हैं, सारे हम आज देखेंगे, ठीक है, भारत के संविधान में कहाँ पर रखा गया है ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। देखते हैं, सबसे पहला अगर आप बात करो मानवाधिकार की, तो मानवाधिकार है क्या, कैसे है देखते हैं। तो कहा जाता है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब क्या होता है, जिसको संपूर्ण पूरी तरीके से विकास करने के लिए मानवाधिकार की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नॉर्मली अगर मान लो कोई व्यक्ति का विकास करना है तो उसको अधिकार की जरूरत है, बोलने के अधिकार की जरूरत है, खेलने के अधिकार की जरूरत है, पढ़ना लिखना सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना, मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ बात के लिए, ठीक है, कि उसको अधिकारों की जरूरत पड़ेगी। अगर उसको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिला, बोलने का अधिकार नहीं मिला, चलने का अधिकार नहीं मिला, मतलब किसी तरह का बाउंडेशन है, तो संपूर्ण विकास कहाँ कर पा रहा है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, समाज के संपूर्ण विकास के लिए अधिकारों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो ये अधिकारों वाला जो कॉन्सेप्ट दिया गया हमारे भारतीय संविधान के अंदर में, ये 1948 के तहत लाया गया था। जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है, उसके बाद 1950 को हमारे पूरे भारत के अंदर में संविधान को लागू किया गया, ठीक है, एक नियम प्रश्नावली पर संविधान जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू किया गया बनाने के बाद, 2 साल बनाने में, टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, उसके बाद लागू किया गया। और उसी संविधान के अंदर में हमारे कई सारे मौलिक अधिकारों और हमारे फंडामेंटल राइट्स और मानव अधिकारों के बारे में बात की गई है, ठीक है, वो हम देखेंगे क्या है कैसे है। कहा जाता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान सर्वाधिक अधिकार केंद्रित दस्तावेज है। भारतीय संविधान ही एक ऐसा संविधान माना गया पूरे विश्व के अंदर में जिसमें सबसे ज़्यादा अधिकारों को रखा गया है, ठीक है, आपको जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि सबसे ज़्यादा अधिकार इसी में है। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व मानव अधिकार की भावना से परिलक्षित है। अब जो भारत की संविधान, मतलब जो भारत का संविधान है उसके प्रस्तावना के अंदर में, ठीक है, प्रस्तावना के अंदर में मौलिक अधिकार, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व और मानव अधिकार की भावना को रखा गया है। और ये प्रस्तावना कब पास हुआ था, जब वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर 1948 के अंदर में मानवाधिकार का घोषणा पत्र लाया गया था, ठीक है, यूएनओ द्वारा 1948 में मानवाधिकार का घोषणा पत्र लाया गया था। तो उस समय हमारे भारत की प्रस्तावना को मतलब पेश किया गया था और लागू किया गया था, जिस प्रस्तावना के अंदर में हमने बात किया था वो मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में, मानवाधिकार के बारे में हमने बात किया। सोचो जब पूरे विश्व के अंदर मानवाधिकार लाया जाता था, हमारा भारत उस समय सोच चुका था इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान लोगों के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष एवं सिद्धांतों को भारतीय संविधान में आधारित है। अब देखो मानवाधिकार लाया क्यों गया, अगर पहले से ही, अगर सपोज करो एक बच्चा है उसको पहले से ही पूरी आज़ादी दी जा रही है, तो लगता है कि वो किसी तरह के अधिकार की मांग करेगा, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर सेम एक टाइम पे एक और बच्चा है जिसके ऊपर पाबंदियां हैं कि वो यहाँ चल नहीं सकता, वो यहाँ बोल नहीं सकता, वो यहाँ पे किसी से मिल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, तो आगे चल के क्या करेगा, वो घुटन सा महसूस करेगा और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा कि नहीं मुझे भी ये करना है, मुझे भी ऐसा रहना है, वो करना है, ऐसा होता है ना। तो सेम जो हमारा देश है वो 200 सालों तो गुलाम रहा, किसका, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के गुलाम रहने के बाद क्या होता है कि हमारा देश के अंदर में जो लोग होते हैं उनको सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर पाबंदियां लगा जाती है, किसी भी तरह के धर्म मानने पर जो पाबंद किया जाता है, ठीक है, और राजनीतिक तौर पर उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है, सामाजिक तौर पर उन्हें ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, शिक्षा और शिक्षा का अधिकार नहीं होता उनके पास। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो उसके कारण क्या करते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, आवाज़ उठाते हैं अलग अलग जगह पर, और उसके कारण से ये जो देश की हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, स्वतंत्रता की लड़ाई थी, वो भी एक मौलिक अधिकार प्राप्त करने का, मानव अधिकार को बचाने और मानव अधिकार के लिए लड़ा जाने वाला एक युद्ध के तौर पर देखा गया, ठीक है।
आगे आप देखोगे तो कहा जाता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर में मेनली जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेनली जो हम बातें करते हैं वो किस आधार पे करते हैं, तो हम अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तीनों की बात करते हैं। जहाँ पे ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर में द बिल ऑफ राइट, ठीक है, द बिल ऑफ राइट के, द बिल ऑफ राइट मतलब एक बिल ऑफ राइट करके एक आया, बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट करके वहां पे लाया गया। बिल ऑफ राइट के अंदर में वहां पे मानव अधिकार के बारे में बात किया गया अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर में। तो फ्रांस में क्या आता है, राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन करके फ्रांस में लागू किया जाता है। घोषणा पत्र होते हैं जिसके अंदर में मानव अधिकार की बात की गई, बिल ऑफ राइट और राइट ऑफ मैन। सेम उसी के तर्ज पर, सेम उसी के जैसा कॉपी पेस्ट करके हमारे भारत में, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं, उसी के जैसा देख करके, हाँ ऐसा सब बातें की गई हैं, इस तरह के अधिकार दिए गए और हमें भी इसी तरह के अधिकार अपने लोगों को दिया जाना चाहिए। उसके कारण हमारे भारत के अंदर में, हमारे जो संविधान बनाया गया उसके अंदर में ये मौलिक अधिकार का प्रश्न रखा गया, मानव अधिकार का बातें की गई, ठीक है, मौलिक अधिकार का पूरा कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है, जिसके अंदर में पूरा मतलब 5 से 10 अनुच्छेदों के अंदर में उसको समझाया गया कि किस हिसाब से मौलिक अधिकार हैं। समझ में आता है दोस्तों, पूरे हमारे जो भारत के मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 3 में रखा गया है, जिसमें 12 से 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकार बात करते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं, ठीक है, समझ में आता है आपको। हमने यहाँ तक ये समझा, भारत का संविधान और मानव अधिकार समझा कि हमारा भारत का संविधान किस प्रकार से, जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा बनाने में, ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है 1948 के अंदर में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर घोषणा की गई थी मानव अधिकार की, तब उस समय हमारा प्रस्तावना रिलीज हुआ था हमारे संविधान का, क्योंकि हमारा संविधान उस टाइम बन ही रहा था, ठीक है, तो उस समय प्रस्तावना रिलीज हुआ जिसके अंदर हमने मौलिक अधिकार के बारे में बात करी, मानव अधिकार के बारे में बात करी, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद अब आगे हम बात करते हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, मानव अधिकार एवं संविधान सभा। जो हमारा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चला, फ्रीडम मूवमेंट चला, जो मतलब नॉर्मली इंडिपेंडेंस की टाइम का था, 1947 के टाइम पे, 1947 से पहले का, मतलब जब आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे, तो उस समय मानव अधिकार क्या था, किस हिसाब से देखा गया मानव अधिकार को, हम ये देखेंगे, ठीक है। आपको जैसे कि पता है हम 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, ठीक है, 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे और अलग अलग जगह पे हमें ना अपनी अधिकारों का हनन होता हुआ दिखा, हमारा अधिकार का हनन हो रहा था, हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा था, जहाँ पर हमने ना दूसरे देशों की चीज़ों को देखा, दूसरे देशों की चीज़ों से सीखा, जैसे जिसमें इंग्लैंड के अंदर बिल ऑफ राइट जो 1689 के अंदर में इंग्लैंड के अंदर में बिल ऑफ राइट आया, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा कि यार इंग्लैंड के लोगों को इस तरह के अधिकार, मानव अधिकार दिए गए। सेम उसी तरह पे उसी उसी टाइम पे अमेरिका के अंदर में 1791 में बिल ऑफ राइट आया जिसमें अमेरिकन लोगों को अधिकार दिए गए, ठीक है। फिर आगे चल के राइट ऑफ मैन जो 1789 के अंदर में फ्रांस के अंदर में आता है, ठीक है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमें हमारे देश के अंदर में जो नेता होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उनके अंदर में भी जगती है कि यार उनको मिल रहा है हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी इसके लिए एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं जहाँ पर वो करते हैं। और ब्रिटेन अधिकारी, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जब 1919 में रॉलेट एक्ट लाते हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा रॉलेट एक्ट के बारे में, ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था, ठीक है, 1919 में। और रॉलेट एक्ट के तहत क्या था, रॉलेट एक्ट के बाद ही ना ज़्यादातर मानव अधिकार के जितने भी संघर्ष हुए, ठीक है, जो भी मानव अधिकार की लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी की जो लड़ाई थी वो मानव अधिकार में तब्दील हो गई थी, ठीक है, मानव अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई हो गई थी, तो वो रॉलेट एक्ट के बाद ही हुआ। क्योंकि रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश अधिकारी को ये पावर दे दी गई थी, वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के घर में जाके पूछताछ कर सकता है, किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ले सकता है, किसी मतलब प्रेस मीडिया, ठीक है, प्रिंट मीडिया सब पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है, कहीं भी किसी को भी गिरफ्तारी, इस तरह से रॉलेट एक्ट लाया गया था, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे मतलब हर तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए, मीडिया, आम सभा, किसी भी बोलचाल, कोई भी भाषण देना, ठीक है, कोई भी न्यूज़, सब तरह की चीज़ों पे पाबंदी, मतलब आप गुलामों की ज़िंदगी से बेहतर, मतलब बेहतर बेहतर जीने वाले हो, मतलब बेकार जीने वाले हो, सॉरी जो वर्ड मिल नहीं रहा था मुझे, बेकार जीने वाले हो, इस तरह का कुछ किया गया था 1919 में रॉलेट एक्ट, आपने पढ़ा होगा 12th में, तो उसी तरह का कुछ स्थिति थी हमारे भारत के अंदर में जब रॉलेट एक्ट लाया गया। तो उसके बाद रॉलेट एक्ट के आने के बाद लोगों को जब लगा कि यार हमारे अधिकार, हमारे पास तो अधिकार ही नहीं है, हमारे पास तो राइट्स ही नहीं है, अगर हम कुछ बोलना चाहें तो हम बोलेंगे कैसे, हम कुछ करना चाहें तो करेंगे कैसे, तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड आया वो पूरी तरह से मानव अधिकार को लेकर लड़ा जाने लगा। जैसे उसके अंदर में आप बात करोगे तो लॉर्ड कर्जन,
ठीक है, लॉर्ड कर्जन का जब टाइम पीरियड आता है, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड आता है 1899 में, ठीक है ना, 1899 से लेकर 1905 तक आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, शासन काल के अंदर में ना मानव अधिकार का उल्लेख किया जाता है, बात की जाती है, ठीक है, जहाँ पे मानव अधिकार को लेकर स्वतंत्र संग्राम, जो हमारा आज़ादी की लड़ाई थी, उसके अंदर में भी बातचीत की जाती है, ठीक है, कि भाई हमारे मानव अधिकार तो चाहिए ही चाहिए, मानव अधिकार तो नॉर्मल चीज़ें, जिसके अंदर में बात किया जाता, क्या किया जाता है उसके, मतलब वहाँ पे बात क्या किया जाता है, कहा जाता है कि भाई मानव अधिकार चाहिए, सॉरी, मानव अधिकार चाहिए, ठीक है, हर एक व्यक्ति का मानव अधिकार क्या है, जरूरी है, अगर मेरे पास मानव अधिकार है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, किसी के साथ मिल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब आई कैन डू इट एवरीथिंग, नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट होता सबके पास। तो इस कारण से वहाँ पे आज़ादी की लड़ाई में भी मानव अधिकार का मुद्दा लाया गया, लॉर्ड कर्जन के वहाँ पे कुछ टाइम पीरियड में मानव अधिकार की बातें बहुत ज़्यादा की गई थी उस कारण से। अब देखो आगे इसके अंदर हम बात करते हैं कि मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में क्या होता है, गठन का मतलब एक गठन संगठन समिति तो बनाई जाती है, गठन आयोजित की जाती है, जो 1928 में उनकी रिपोर्ट आती है, ठीक है, 1928 में उनकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के दौरान क्या कहा जाता है कि वो दूसरी सबसे बड़ी मतलब ना उपलब्धि होती है, जो मतलब मानव अधिकार को लेकर दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। उस रिपोर्ट के अंदर में ये बात की जाती है कि मताधिकार का प्रयोग, मतलब उसके अंदर नॉर्म मौलिक अधिकार की बात की जाती है, धार्मिक, प्रजातीय, अल्पसंख्यक, प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात की जाती है, मानव अधिकार को सुरक्षा की सिफारिश की जाती है कि भाई लोगों के जो मानव अधिकार हैं, जो कॉमन राइट्स हैं, उनकी तो एटलीस्ट हमें सुरक्षा करनी चाहिए, आप रोलेट एक्ट ला रहे हो, ठीक है, तो उसमें कहाँ से लोगों की सुरक्षा, कभी भी आप किसी तरह की प्राइवेसी नहीं, आप किसी घर में जाके तलाशी ले सकते हो, तो इस तरह की चीज़ें आ गई। तो जो 1900 मतलब 28 के अंदर में जब रिपोर्ट आया मोतीलाल नेहरू समिति का, तब वहाँ पे अंग्रेजों ने भी उसको खिलाफ थोड़ा सा एक्शन लेना शुरू किया, लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम देनी शुरू करी, ठीक है, वहाँ से ही मतलब एक तरह से नींव हमने रख दी थी कि हमें आज़ादी मिलेगी, और हम मतलब वहाँ से धीरे 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 अब अपने मकसद की ओर बढ़ रहे थे, हमारा देश, ठीक है। आगे चल के 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब एक मीटिंग होती है, जिसके अंदर नागरिक मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, आर्थिक समानता की बात की जाती है, सामाजिक अधिकारों की बात की जाती है, सामाजिक संरक्षणों की बात की जाती है, न्यूनतम मजदूरी की बात की जाती है, बंधुआ मजदूरी की बात की जाती है, ठीक है, जब इन सब तरह की चीज़ों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उठाया जाता है 1931 के सम्मेलन में, मीटिंग में, तब वहाँ से और ज़्यादा लोगों के अंदर में जागरूकता फैलती है वो मौलिक अधिकार को लेकर बोलने का और आगे करने का, ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद आप आगे देखोगे तो यहाँ पे मतलब धीरे धीरे करके जब 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल जाती है, ठीक है, जब आज़ादी मिल जाती है, जिसके आज़ादी मिलने के बाद भाई वो हमारा संविधान निर्माण का कार्य शुरू होता है, जिसका नॉर्मली अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है, अब पारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, ठीक है, पारूप समिति के अध्यक्ष, और कई तरह के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको नियुक्त किया गया, ठीक है। जब ये सारा हुआ उसी के दौरान, मतलब आप उसी टाइम पीरियड के दौरान की बात करो तो इंटरनेशनल स्तर पर यूएनए द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र, यूएन डिक्लेरेशन जो मैंने था ना, मानवाधिकार का डिक्लेरेशन, यूएन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR, ठीक है, वो लाया जाता है, मानवाधिकार की बात की जाती है, सार्वजनिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया जाता है और वो पूरे विश्व के अंदर में पब्लिश की जाती है कि भाई ये वाला मानवाधिकार ऐसा है। सेम उसी टाइम पे मतलब हमारा भारत भी अपना पारूप, जो उसका फ्रंट पेज होता है संविधान का, जिसके अंदर में हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, ठीक है, मानव अधिकार की बात करते हैं, ठीक है, नीति निर्देश तत्व की बात करते हैं, वो सारे चीज़ को हम भी पब्लिश करते हैं और उसको 3 भागों में बांटकर हम अपने मौलिक अधिकार मतलब संविधान को कंप्लीट करते हैं, मौलिक अधिकारों के पारूपों को कंप्लीट करते हैं। पहला 1 फरवरी 1948, दूसरा 17 अक्टूबर 1948, तीसरा 26 नवंबर, तीसरा और अंतिम लास्ट यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका था 26 नवंबर 1949, जहाँ पे हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर खत्म हो चुका था, ठीक है, रेडी हो चुका था, बस लागू करना था, जो हमारा जाकर 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो ये हमने जाना थोड़ा सा स्वतंत्रता के टाइम में हमारा भारत का मानवाधिकार का सभा क्या था, मानवाधिकार है संविधान सभा किस हिसाब से वॉक किया उसने, किस हिसाब से उसने लिया मानवाधिकार। अगर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट नहीं आती, कांग्रेस कमेटी के वहाँ पे मुद्दे नहीं उठाए जाते, लोगों के बीच में रखे नहीं जाते, कांग्रेस कमेटी अंग्रेजों से बात नहीं करती, उन सब चीज़ों को लेकर शायद हम भी आज मानवाधिकार की बातें नहीं करते, या फिर हमारे पास जो मौलिक अधिकार है उस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो शुरू से होते हुए आ रही थी, उसके बाद हमने ये किया। रोलेट एक्ट मान लो नहीं आता तो शायद
हम मानव अधिकार की बात नहीं करते। रोलेट एक्ट आने के बाद हमें पता चला कि यार ये ऐसा है, पता है नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट हमारे आजकल के समाज में, हमारे समाजों में सब आपने सुनी हुई कहावत जैसी है कि जो चीज़ आपके पास है हम उसकी कदर नहीं करते, बट जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है तब हम उसकी कदर करते हैं। तो सेम रोलेट एक्ट से पहले जो लोगों के पास थोड़ी फ्रीडम थी तो वो उसकी उनको उनका उतना फिक्र नहीं थी, बट जब रोलेट एक्ट लाया गया उसके ऊपर जब दबाव बना लोगों के ऊपर में, तब उन्हें समझ में आया वो भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट यार, ऐसा करके उन्हें फील हुआ, देन उन्होंने मानवाधिकार के लिए वर्क शुरू किया। ठीक है, समझ में आता है। आगे आप देखोगे यहाँ पे तो भारतीय संविधान संविधान के अंतर्गत मानवाधिकार, अब भारतीय संविधान के अंतर्गत मानवाधिकार है क्या, तो आपको मैंने जैसे कि पहले बनाया बताया भारत के संविधान के अनुच्छेद मतलब भाग 3 के अंदर में हम मानवाधिकार की बात करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में हम कहते हैं, जिसके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में, 12 से 35 के बीच में, 35 अनुच्छेद के बीच में हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, हम भारत मानव अधिकार की बात करते हैं भारत के संविधान के अंदर में। ठीक है, जिसके अंदर में किस तरह से प्रारूप है अंतिम रूप जो प्रदान किया गया था सरदार वल्लभ भाई वाली समिति जो थी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की समिति जो थी उसके द्वारा ये पूरी मौलिक अधिकार के अंतिम प्रारूप देखा गया, सब कुछ उनको स्वीकृति प्रदान की गई, एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है, और आगे हम देखते हैं इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा है इसको और बहुत मस्त है। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम के इवन प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये, क्योंकि अक्सर हमारे मौलिक मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हमें लोगों को ना ज़्यादातर आइडिया भी नहीं होता कि यार क्या है। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ भारत में मौलिक अधिकार, अगर इस कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ते हो, ठीक है, तो आप कई जगह पर आपको फील होगा यार कि आप दूसरे से बेहतर हो। ठीक है, कि जब आपके पास नॉलेज होगा तो कई बार मुसीबत में फंसे रहोगे तो आप अच्छे से अपने निकल पाओगे रियली। तो पूरी देखें वीडियो, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अधिकार की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ राइट्स, मतलब नेचर ऑफ राइट्स मतलब किस हिसाब से अधिकार दिया गया। ठीक है, कहा जाता है मौलिक अधिकारों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन इन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साधारण कानून से ऊपर है। पता है हम जैसे आप अक्सर मेरे मुंह से 2-3 वीडियो में आपने सुना होगा मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में मौलिक अधिकार, बट आपको एक अच्छी जानकारी दूं मतलब, तो हमारे भारत के संविधान के अंदर में कहीं भी जो अधिकार दिए गए हैं उसको मौलिक अधिकार करके बोला ही नहीं गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार करके बोला ही नहीं गया है, बट उन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है लोगों के द्वारा या जो भी है उनको इसलिए माना जाता है क्योंकि वो बाकी अधिकारों से ऊपर है। ठीक है, उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है बाकी अधिकारों से, तो उस कारण से उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। ठीक है, ये अधिकार व्यक्ति के आत्मसम्मान तथा उसके कल्याण को प्रोत्साहन देने हेतु देते हैं और मानव व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नॉर्मली ये जो जितने भी अधिकार है जो मौलिक अधिकार के अंदर हम बात करते हैं वो व्यक्ति का आत्मसम्मान, ठीक है, विकास और लोगों के जो विकास करने के लिए जो तरीके हैं उनके ऊपर में महत्वपूर्ण है भाई, उसके चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस कारण से वह है। ठीक है, कहा जाता है कि अनुच्छेद 32 जो संविधान के भाग 3 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मतलब अब यहाँ पे ना देखो नॉर्मली अधिकार को दिया ही नहीं गया, अधिकार को देने के साथ साथ तो उसकी बचाव के लिए भी तरीके बताए गए कि किस तरह से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है कि अगर कभी भी किसी भी सूरत में आपका अधिकारों का हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों को दबाया जाता है, तो आप इसके तहत कोर्ट में जा सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो कि भाई मेरा अधिकार क्यों दब रहा है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। पर कई सूरत में आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि मौलिक अधिकार असीम नहीं है, असीम मतलब पूरी तरह से लिमिटेड है, मौलिक अधिकार भी कई जगहों पे लिमिटेड है, सीमाबद्ध किया जा सकता है, उसको पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती, मौलिक अधिकारों को सीमाबद्ध किया जा सकता है। किस कंडीशन में, अगर हमारे देश में आपातकाल लागू हो, ठीक है, या सरकार चाहे तब धारा 144 लागू हो, कर्फ्यू लागू हो, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो मौलिक अधिकार है वो लिमिटेड कर दिए जाते हैं, सीमित कर दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, अगर आपने ये देखा तो आपके किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे भी यूजफुल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप भारत के मौलिक अधिकारों की बात करते हो तो अन्य कानून जो भी मतलब भारत में मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति के
समानता बोलने का अधिकार, मतलब 6 मौलिक अधिकारों का हम वर्णन करते हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान के अंदर में दिया गया है, जिसमें व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है, बोलने का अधिकार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार, संघ बनाने एवं शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, नागरिक के संरक्षण हेतु, नागरिक मतलब अपने अधिकारों को संरक्षण हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, कहते हैं कि भारत में इन मौलिक अधिकारों का लक्ष्य मतलब दिए क्यों गए हैं। अब मोटिव की बात करो तो लक्ष्य ये है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, समाज में जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको दूर करना, ठीक है, और साथ साथ क्या करना है, अस्पृश्यता, मतलब जो अनटचबल अनटचबल धर्म वंश जाति छुआछूत जो होता है ना, छुआछूत, धर्म वंश जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म करना, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना, ठीक है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है, तथा अल्पसंख्यक सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार का संरक्षित करना, जो मतलब कम मात्रा में बचा हुआ है जो उनको संरक्षित करना भी इनका मेन अधिकार है। आप अभी नॉर्थ साउथ में जाओगे, इवन आप अपने गांव में भी जाओगे, बहुत सारे जो अलग अलग गांव से आप वीडियो देख रहे होगे, तो बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, तो पहले जो गांव में जिस तरह की कल्चर थी, ट्रेडिशन थी, जो गेम हुआ करते थे खेलने के लिए, सब चीज़ें क्या खत्म हो चुकी है। कई सारे लोगों के घर में जो फेस्टिवल मनाए जाते थे, तरीका होता था, वो सारे लगभग खत्म हो चुकी है। तो उनके रख रखाव के लिए भी आपको अल्पसंख्यक सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण करने का भी अधिकार दिया गया है। समझ में आता है दोस्तों? अभी स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो तो हमने थोड़ा सा बेस सिर्फ देखा क्या है, अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट करते हैं। कहते हैं भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो मतलब टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 14 से 14, 15, 16, 17, 18, 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार का वर्णन है। ध्यान से फ्रेंड्स, ये वाला जो पॉइंट है सारे बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान के अंदर में टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, 14, 15, 16, 17, 18 के बीच में समानता का अधिकार का वर्णन है। ठीक है, यह दूसरे अधिकारों को स्वतंत्रता को पूरा आधार प्रदान करता है, जो दूसरे अधिकार हैं, जो दूसरे तरह के अधिकार हैं, उनको भी ये स्वतंत्रता प्रदान करता है इस 14 से 18 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 14 में भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के सम्मान संरक्षण अधिकार देता है, मतलब हर तरह का संरक्षण सुरक्षा का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, सम्मान संरक्षण का अधिकार आप रह सकते हो अच्छे से, इसका अधिकार देता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 14 का हमने जाना कि प्रत्येक नागरिक को विधि के द्वारा समान संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 के तहत क्या देता है कि धर्म वंश जाति लिंग भाषा जन्म स्थान आदि के आधार पर लोगों को भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा लोगों को, ये बताया जाता है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों? फिर अगर और मतलब साथ साथ ये भी कहा जाता है कि महिलाओं, बच्चों, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर मान लो किसी भी तरह का कोई विशेष प्रावधान की अगर चाहते हैं, तो राज्य कई बार होता है ना, महिलाओं के लिए अलग रूल ला देते हैं, बच्चों के लिए अलग रूल ला देती है, अनुसूचित जाति के लिए अलग रूल ला सकती है, तो वो संविधान से अलग, राज्य के पास राइट दी गई, राज्यों के पास स्टेट्स के पास राइट दी गई कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, समझ में आता है? अनुच्छेद 16 के अंदर में यह सुनिश्चित करता है कि रोजगार के अवसर के मामले राज्य में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, समान, अब आप देखोगे ना, जो भी नौकरियां निकलती है वो राज्य के पास होती हैं, तो राज्य किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। बट यहाँ पे कई बार अपवाद भी है इसके, जैसे हरियाणा में कई बार जो नौकरी निकलती है, कई बार हरियाणा नहीं मतलब पूरे भारत का यही रूल है। ठीक है, अगर हरियाणा के अंदर नौकरी निकली तो सबसे पहले हरियाणा वाले को वहाँ पर नौकरी मिलती है, फिर किसी बाहर वाले को नौकरी नहीं दी जाती। क्यों? तो कई बार राज्य जो होता है वो ये शर्त रखते हैं कि वहाँ के लोकल बंदे को ही नौकरी देंगे, जो वहाँ के अच्छे तरह से जानता हो लोगों को। ठीक है, अब मान लो किसी दूसरे बंदे को नौकरी दे दे, वहाँ के ना उसको भाषा आती हो, ना वहाँ के जगह के बारे में पता हो, और नौकरी जो जॉब हो इस तरह का कुछ हो कि उसको पूरी लोकल में जाना हो, लोकल में ट्रेवल करना हो, तो फिर वो करेगा कैसे? प्रॉब्लम होगी उसे। इस कारण से कई बार इस तरह की रूप रखी जाती है। तो अनुच्छेद 16 के अंदर में हम बात करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि समान रोजगार को अवसर मिले। ठीक है, वो और वो किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगा। समझ में आता है? अगर आप आगे बात करो यहाँ पे 16A के अंदर में, यहाँ पे 16A 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 4 के अंदर में क्या कहता है कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उचित प्रतिनिधित्व के लिए रोजगार और आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 16A 4, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 16A 4 करके एक अलग से अनुच्छेद मतलब उप अनुच्छेद बनाया गया। ठीक है, जिसमें सब आर्टिकल के अंदर में क्या कहा जाता है कि राज्य चाहे तो ना अनुसूचित जनजाति जनजाति के लिए शैक्षणिक अधिकार, रोजगार, इन सब चीज़ों के बारे में वो
इंतजाम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, ये इस तरह करके बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंदर में छुआछूत के उन्मूलन प्रावधान करता है कि मतलब किसी भी तरह का कोई छुआछूत, जैसे अस्पृश्यता होता है ना, अस्पृश्यता, यहाँ पे अस्पृश्यता लिखा हुआ है, इसको आप सीधा छुआछूत जैसी चीज़ें बोल सकते हो नॉर्मली, जो आपको समझ में आए इजिली। ठीक है, आप अगर अस्पृश्यता बोलोगे, कई बार पता चला समझ में नहीं है, फिर और भी प्रॉब्लम। ठीक है, ये समझ में आता है, उसके उन्मूलन प्रावधान कर सकता है, उसके लिए क्या कदम उठाया जाना जरूरी वो देख सकता है। अनुच्छेद 18 के तहत हम बात करते हैं कि भारतीय नागरिकों में विदेशी विदेशी राज्य में किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 में हम बात करते हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी तरह के विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वो शिक्षक और सैन्य ग्रहण कर सकता है, सैन्य उपाधि ग्रहण कर सकता है, और जो भी भारत रत्न पद्म विभूषण सम्मानित व्यक्ति है वो इसको उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, ये चीज़ें बताता है। ठीक है, 18 के अंदर हम बात करते हैं कि कोई भी, जैसे आप विदेश जाओगे तो विदेश में कई बार मान लो आपने बहुत अच्छा वर्क किया तो आपको वहाँ की उपाधि मिल गई, तो इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता है। ठीक है, उसकी वहाँ की कोई उपाधि नहीं ले सकता है, ये बात की गई, समझ में आता है। ये इसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट आप देखो तो अगला आगे के अनुच्छेदों के अंदर हम बात करेंगे, अलग अलग तरह की चीज अनुच्छेदों के अंदर में। ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21 के अंदर में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अभी हमने समानता की बात करी 14 से 18 के बीच में समानता, और स्वतंत्रता का 19 से 21 के बीच में, 19 से 21 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसके अंदर में हम क्या बोलते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलना, बोलने और कुछ कहीं भी कुछ बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार प्राप्त है, संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है, भारत के राज्य किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार प्राप्त है, कोई भी पेशा व्यापार वाणिज्य व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, ये सभी अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है। मतलब जो भी इंडियन पीपल है, इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, मतलब भारतीय नागरिक है, उनको 19 अनुच्छेद 19 से 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसके अंदर में सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आता है। आप आगे इसको देखो तो आगे के कुछ और अधिकार है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपकी डेली लाइफ में भी और आपके एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से भी। ठीक है, कहा जाता है भारत की संप्रभुता, अखंडता, समानता, समाज की नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस स्वतंत्रता को प्रतिबद्ध किया जा सकता है। अब कई बार देखो, जैसे ये आपको मैंने कहा कि यहाँ पे भारत के लोगों को बोलने का अधिकार है, ग्रुप बनाने का अधिकार है, ठीक है, पेशा व्यवसाय को अपनाने का अधिकार है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें को मैंने बताया। ठीक है, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है, बट भारत की संप्रभुता, अखंडता, इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए, मतलब भारत के मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए आपके स्वतंत्रता अधिकार को लिमिटेड किया जा सकता है। कैसे, कई बार क्या होता है, मान लो आप जैसे अभी आजकल दिल्ली में क्या है कि हेट स्पीच दी जा रही है, तो भड़काऊ भाषण दी जा रही है, जैसे लोगों के अंदर में मतभेद हो रहा है, ठीक है, जातिवाद यहाँ पे उठ रही है, ये सब चीज़ें आ रही है, नॉर्मल आप देख रहे होगे न्यूज़ में आजकल, तो इस तरह की चीज़ें क्या है, लोगों की स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। अब जैसे लोग है, जो भी नेता है, सपोज करो कोई नेता है यहाँ पर, अब उसने कोई गलत भाषण दिया तो उसका क्या है, उसके पास अधिकार है कि वो कहीं कुछ भी बोल सकता है। अब उस स्थिति में क्या करेगी सरकार, उसके भाषण की वो उसको अधिकार को खत्म कर देगी, स्वतंत्रता मतलब वहाँ पे बोलने के अधिकार को लिमिटेड कर देगी। अब चाहे तो सरकार अगर धारा 144 कहीं लागू करती है तो वहाँ पे किसी भी तरह के सभा करना, ग्रुप बनाना, ये सब चीज़ों पे प्रतिबंध हो जाता है। ठीक है, समझ में आता है। अब आगे देखते हैं, आगे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20 21 के अंतर्गत संविधान में जीने का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का अधिकार है। ठीक है, जहाँ पे 20 के अनुसार हम किसी व्यक्ति को दी गई सजा उस समय मतलब जो भी सजा है एक ही, मतलब संविधान 20 और 21 के अंदर में व्यक्ति को जीने का अधिकार है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का अधिकार है, और साथ साथ ये कहा गया है कि अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दी गई सजा उस समय विधि द्वारा निर्धारित सजा से नहीं दी जा सकती है, मतलब निर्धारित सजा से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब सपोज करो यार, समझाऊं अलग आपको तो अलग तरीके से, अगर कोई दोषी व्यक्ति है और उसको कोई सजा मिली है तो आपको 5 साल की सजा मिली है तो उसे ज़्यादा सजा आप नहीं काट सकते, 5 साल मतलब 5 साल ही, ठीक है, आप ज़्यादा नहीं काट सकते। ठीक है, किसी व्यक्ति को सजा सिर्फ एक बार मिलेगी, ये भी कहा गया है। ठीक है, आपके संविधान के अंदर में सजा 2 बार नहीं मिल सुनाई जा सकती, नहीं दी जा सकती, एक ही बार सजा दी जाएगी। ठीक है, समझ में आता है। कहा जाता है अनुच्छेद 21 के अनुसार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल ये अनुच्छेद 21 का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अनुच्छेद 21 के तहत कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन एवं और स्वतंत्रता का अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, जो व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों।
इस अधिकार को मरने का शामिल नहीं है। मतलब जो यहाँ पे ना जीवन के अधिकार को हनन नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने कहा 21 के तहत जीवन के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, कोई भी आपके जीवन के अधिकार का शोषण नहीं कर सकता सिंपली। तो यहाँ पे कई बार लोग होते हैं कि मरने के ही सोचते हैं, तो यहाँ पे मरने को अलग रखा जाता है, इस अधिकार को मरने में शामिल नहीं किया गया। मरने मतलब कोई भी तरह से डेथ का, ठीक है। जहाँ पे आत्महत्या करना भी एक गुनाह के तौर पे देखा जाता है, लोग होते हैं ना आजकल फैशन है, ट्रेंड है, आई वॉन्ट सुसाइड, पे सुसाइड करना है, वो आत्महत्या अपराध कर रहा है भाई, तू जुल्म कर रहा है, तुझे पता नहीं है तू क्रिमिनल है। अगर कोई बंदा सच मेरे लिए दोस्त फ्रेंड्स, अगर कोई भी सुसाइड करता है तो उसको सुसाइड करना ये नहीं कि मैंने सुसाइड कर लिया बच गया मैं मर गया। आप अगर सुसाइड करते हो तो आप वहाँ पे एज अ दोषी के तौर पे ट्रीट किए जाओगे, ठीक है। हॉस्पिटल जाओ, बच गए लगभग सुसाइड करते समय बच गए, तो एक दोषी के तौर पे ट्रीट किए जाओगे, ना कि आपको अवार्ड मिलेगा कि आपने सुसाइड करके आया हो रियली। तो अनुच्छेद 21 के तहत कहा गया है कि मरने की स्थिति को अलग रखा गया, जिसमें आत्महत्या करना, उसकी कोशिश करना एक अपराध है, ठीक है, ध्यान से, एक क्राइम माना जाता है आत्महत्या करना भी। तो कोशिश क्या है यार, आप अपना मतलब बंदे सोचते हैं कि स्वर्ग जाएंगे, अगर आप मान लो मर के जाओ आत्महत्या करो और उसके बाद स्वर्ग जाओगे कि बोलेंगे क्राइम करके आया क्या, स्वर्ग जाएगा तू नरक में ही रह रियली। आपके क्या विचार है यार, इस पर जरूर बताएं कमेंट करके। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की सूचना बिना उसके गिरफ्तारी के नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसकी कोई गिरफ्तारी करता है, कोर्ट गिरफ्तारी करता है, तो उसको उस व्यक्ति को बिना सूचित किए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, पहली चीज़, ठीक है। उसको सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैं इस चीज़ के लिए आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ। उस व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो अपने इच्छा अनुसार कोई भी वकील रख सकता है, ठीक है, और गिरफ्तार हुए व्यक्ति को निजी अदालत में 24 घंटे के अंदर में पेश करना अनिवार्य है। अगर आपको कभी भी गिरफ्तार किया गया, भगवान ना करे कभी गिरफ्तार करे, पर अगर कभी गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर में आप अदालत में पेश करना अनिवार्य है आपको, ठीक है। आप अपनी मर्जी से वकील रख सकते हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, और ये संविधान के 86वें मतलब 86 संशोधन के अंदर में, ठीक है, संशोधन के अंदर में 2002 के अंदर में प्राथमिक शिक्षा एवं अनुच्छेद 21A के तहत ये ऐड किया गया, जिसके अंदर में 14 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया गया, ठीक है, जिसमें सभी बच्चों को राज्य द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, यह अनिवार्य किया गया, ये 86वें संशोधन के द्वारा लाया गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 21 तक जान लिया, अब यहाँ पे हम जानते हैं 23 से 24 अनुच्छेद के अंदर में क्या करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 23 से 24 के अंदर में हम शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर में क्या होता है कि इसमें दो तरह के प्रावधान है। पहला, मानव व्यापार एवं बाल श्रम संबंधित, जो हम मानव व्यापार करते हैं, मानव तस्करी इधर उधर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ राइट बना, वो कानून बनाया गया। दूसरा यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योग खाने में वर्क करने पर प्रतिबंध करते हैं, ठीक है, जो लेबर चाइल्ड लेबर होते हैं उनके ऊपर ये आवाज़ उठाता है। जो बाल शोषण, ये सब चीज़ें, किसी भी तरह का शोषण, चाहे महिला शोषण हो, बाल शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, ठीक है, किसी भी तरह के शोषण के विरुद्ध ये वाला 23 से 24 के अंदर में बोल बताया जाता है, ठीक है। आप आगे बात करो यहाँ पर, तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें क्या होता है कि भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बनाए रखने के लिए इस अधिकार का उद्देश्य है कि वह राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, ठीक है। मतलब राज्य किसी भी तरह के धार्मिक प्रतिबंध, मतलब किसी भी धर्म को लेकर फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये धर्म मानो ये करो, ठीक है। राज्य द्वारा जो बनाई गई संस्थाएं, वो किसी भी धार्मिक चीज़ों को पढ़ाने के लिए आप पर जोर नहीं दे सकता, ठीक है। राज्य का जो अनुदान दिया जाएगा किसी भी धार्मिक संस्थाओं के लिए, कोई भी धार्मिक संस्था को अनुदान दिया जा रहा है, तो उसमें राज्य ये नहीं कह सकता कि आपको इतना अनुदान दिया जाएगा, इतना नहीं दिया जाएगा, और किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। ये सब चीज़ें की बात की गई है, पर अगर मान लो कोई धार्मिक दृष्टि से कोई कट्टरता फैला रहा है या फिर कुछ गलत कर रहा है, देश हित में नहीं है, तो राज्य उसके ऊपर रोक लगा सकता है, ठीक है। जैसे अलग अलग जगह की कोई भी संस्थाएं मतलब बनाना, फिर उसके ऊपर रोक, मतलब सरकार राज्य के हाथ में होता है कि उस पर रोक लगा सकता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो वो हमारे देश के लिए खतरा बन सके। इस पर 29 से 30 के अंदर में शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया, जिसके अंदर में 29 के अंदर में सभी भारतीयों पर लागू होता है, ठीक है। अनुच्छेद 29 भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के अधिकार को संबंधित है। 29 तो मतलब पूरे सब पे लागू होता है, पर जो 30 है वो स्पेशली अल्पसंख्यक, जो कम मतलब छोटी संख्या में बचे हुए उनके ऊपर लागू होता है। वो अपने किसी भी तरह के संबंधित मतलब उसको बचाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए वॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं।
और अनुच्छेद 32 के अंदर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके अंदर में भारत सरकार ये कहती है कि अगर कभी भी आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, पर कई जगह पे क्या होता है कि हमारे मौलिक अधिकार का लिमिटेड कर दिया जाता है। लिमिटेड कैसे? अगर कभी भी आपातकाल स्थिति हो, ठीक है, आपातकाल स्थिति हो, बंदी आपको बनाया गया हो, प्रत्यक्षकरण हो, प्रतिदेश हो, उपदेश, मतलब आप जेल में हो, इन सब जगहों पर आपके अधिकार को लिमिटेड कर दिया। आप जेल में हो, बोलो मैं स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं जाके ये काम नहीं करूंगा, मेरा मर्जी है, ऐसा नहीं है बेटे, आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप बंदी हो। ठीक है, वहां पे समझ में आता है ये। पहले यहाँ पे मैं 1931, मतलब यहाँ पे अनुच्छेद 1931 के अंदर में संपत्ति के अधिकार की बात की गई। ठीक है, 1931 के अंदर में संपत्ति के अधिकार की बात की गई, बट जो उसको संविधान से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, 1978 के संशोधन के अंदर में क्या हुआ, 44वें संशोधन के थ्रू क्या हुआ कि इसको संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया, जिसके अंदर में किसी व्यक्ति को संपत्ति रखने, ठीक है, बेचने का अधिकार था, उसको अलग कर दिया गया, संविधान से अलग कर दिया गया, जिसके लिए बाद में 300A संविधान में संशोधन करके 300A के तहत उसको लाया गया। ठीक है, 300A के तहत यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा आपने मौलिक अधिकार पढ़ा, भारत का मौलिक अधिकार क्या है, कैसा है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ जो आज मैं इस वाली वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो फ्रेंड सॉरी, तो लास्ट पॉइंट ये वाला है, इसको करते हैं, फिर इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। भारत में मौलिक अधिकारों को आलोचनात्मक विश्लेषण, आलोचनात्मक विश्लेषण क्या है, मतलब यहाँ पे ना जो मौलिक अधिकार हमने पढ़ा कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड के सामने एक एग्जांपल सेट किया हमारे भारत ने कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, और इतना बड़ा मौलिक अधिकार है जिसमें सबसे ज़्यादा अधिकारों की बात की गई है, लोगों के कितने सारे राइट्स हैं, ये हमने अभी जाना। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी बुराइयाँ क्या की गई हैं, तो जैसे बुराइयाँ आपने मीसा कानून के बारे में सुना होगा कि जब आपातकाल के दौरान मीसा कानून लाया गया था, मीसा आंतरिक सुरक्षा अनुपालन कानून, जिसके अंदर में कभी भी आंतरिक सुरक्षा बिगड़ती है तो आपके सारे मौलिक अधिकारों को लिमिटेड कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, अगर कभी भी राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर कोई भी बात आती है तो वहाँ पर आपके कानून को लिमिटेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी मतलब लोगों ने कहा कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए, हर स्थिति में हमारे पास समान कानून होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें की बुराई की गई, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आलोचकों का मानना है कि विकास हित में ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये मतलब इस तरह की चीजें, समझ में आता है दोस्तों। तो ये पूरा हमने संविधान पढ़ा, मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार है उसकी आलोचना सब कुछ पढ़ा। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है आपका इस पार्ट के अंदर में, जो इस जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको, उसके अंदर क्वेश्चन यही आएगा, भारत के मौलिक अधिकार, मतलब भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार क्या है, मानवाधिकार किस तरह से बातें करता है, तो आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी जो भी मैंने अनुच्छेद बताए हो सारे, तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा, पॉइंट वाइज बताओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और साथ साथ फ्रेंड्स आप अच्छे से अगर लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे तो अच्छे नंबर ईजिली मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताकर आप बोलोगे ग्रुप लिंक के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक के लिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में सेंड कर दूंगा, फिर वहाँ से आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको नोट्स वोट्स भी जो भी चाहिए आपस में बच्चे देते हैं तो आपको भी वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट करके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।